हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं पालक पराठा बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आप सबको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पालक पराठा बनाने के लिए मैं पालक एक को बढ़िया साफ़ करके धुल के रखी हूँ। अब मैं इसको जार में डाल के पीस रही हूँ। देखिए, मैं गाजर 2 घिस के रखी हूँ, 1 शिमला मिर्च। इसमें मैं नमक लगा डाल के उसके बाद थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी कि पानी छोड़ देगा, तो मैं पानी इसका निचोड़ दूँगी। अब मैं अपना आटा लगा ले रही हूँ। मेरा 2 कप आटा, बड़ा कप से 2 कप आटा है। इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डालूँगी। देखिए, 1 चम्मच और 2 चम्मच, और इसमें मैं 2-3 चम्मच के करीब रिफाइंड डालूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, और मैं सारे को मिक्स कर लूँगी खूब अच्छी तरह से। अब मैं ये अपना पालक थोड़ी थोड़ी सी डाल के गोथूँगी। एक ही बार ज़्यादा डाल दूँगी तो गीला हो जाएगा ना। देखिए, मैं अपना आटा गूँथ ली हूँ। थोड़ा मुलायम ही आटा इसका गूँथना है। देखिए, अब मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसको छोड़ दूँगी, तब बनाऊँगी। नमक इसमें हम मिला के रखी थी, अब इसका मैं पानी निचोड़े। देखिए पानी कितना छोड़ा है। इसको खूब अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और मैं इसमें सब्ज़ी डालूँगी। अभी सब्ज़ी देखिए कितना अच्छा हो गया है, पानी निकल गया है तो इसमें। और इसमें मैं ना 2 आलू डाल रही हूँ। ये मटर है, देखिए मटर कितना अच्छा, मैं पानी में तो नहीं लेकिन हल्का सा इसको उबाली हूँ, देखिए। और मैं इसको भी इसी में डालूँगी और इसको खूब अच्छी तरह से मसल लूँगी ऐसे सब। इसमें 2 हरी मिर्च मैं काटी हूँ, और ये थोड़ा सा अदरक, नहीं लहसुन है, अदरक नहीं है ये, और ये अदरक है। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, और ये गोलमरीच पाउडर है थोड़ा सा, और नमक भी डाल रहे हैं इसमें। नमक तो मैं जो डाली थी वो निचोड़ दी तो निकल गया स्वाद अनुसार। थोड़ी सी मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी ही डालूँगी। और थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ कलर के लिए, और थोड़ी सी गरम मसाला डाली हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ हल्की सी, और सबके मिक्स कर दूँगी मैं। देखिए मेरा आटा कितना अच्छा हो गया है। अब मैं पराठा बना रही हूँ। इतना बड़ा बड़ा आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बनाइए, मैं इतना बड़ा बना रही हूँ। अब बेल के मैं दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो ऐसे गोल बना के तब इसमें डाल के इसको ऐसे करके अंदर से ऐसे घुसा के, खूब अच्छा इसको बंद कर देना है थोड़ा सा सूखा आटा लगा के। इसके बाद इसको ना थोड़ा सा आटा लगा के इसको पहले ऐसे दबाने से पूरा अंदर तक जाएगा, तब बेलना। अब मैं इसको बेल रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से बेलना है। तावा मेरा गरम हो गया, अब मैं डाल रही हूँ पराठा इसमें। कि मेरा नीचे से हो गया है, मैं पलट दी हूँ इसको। अब इसमें मैं घी लगा रही हूँ। देखिए, एक मैं और आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ। इसको ऐसे ऐसे पहले बेल लें मोटा सा, इतना बड़ा बेल के, और जो ये मिक्सर में बनाई हूँ सब्जी वाला उसको ऐसे रख के आप ऐसे कर दीजिए इसको। वैसे बनाने में दिक्कत है तो ऐसे बना सकते हैं आप, ये थोड़ा ज़्यादा आसान है ऐसे। ये जो आटा ज़्यादा है इसको निकाल दीजिए, और फिर इसको थोड़ा हाथ से इसे दबा के आटा लगा के। देखिए मेरा कितना अच्छा पराठा फूल गया है, दोनों तरफ से खूब अच्छा से हो गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ।
देखिए मेरा पालक के पराठा बन के तैयार है। आप भी बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। देखिए मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना अंदर तक गया है। देखिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।